सबसे बड़ी हमारी सरकार की हार है और हमारे इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी हार है कि हमारी इंटेलिजेंस ने हम सोते रहे पिछले तकरीबन 14 महीने में ये तीसरा बड़ा अटैक है जो हमारी आर्मी पर किया गया और किसी की फौज पे हमला करना एक तो होता है कि भाई आतंकवादी आते हैं और आम लोगों को मारते हैं और निहत्ते लोगों को मारते हैं मार के चले जाते हैं वो एक बात अलग होती है लेकिन किसी की आर्मी पे हमला करना फौज पे हमला करना ऐसा है जैसे कि उस मुल्क की इज्जत पर उसके आबरू पर हमला करना है क्योंकि फौज हमारी इज्जत बचाने वाली और हम उसी को लोग निशाना बना रहे हैं। पिछले 14 महीने में पहले गुरदासपुर हुआ फिर उसके बाद में पठानकोट हुआ फिर पठानकोट के बाद में अब उड़ी हुआ यानी हम कब जागेंगे। हमारी इंटेलिजेंस बार बार क्यों फेल हो रही है कमजोरी कहां हो रही है। प्रधानमंत्री दुनिया की विदेश यात्रा पर घूम रहे हैं हाँ उनको पड़ी नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। ये वही प्रधानमंत्री है जो इलेक्शन के वक्त में सीना ठोक कर अपना 56 56 इंच का सीना लोगों को बताया करते थे आज उनका 56